अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं डारूफ और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स से जो हम पढ़ रहे थे मीन के तीन मेथड्स। दो लेक्चर्स में हमने पढ़े दो मेथड्स और अब जो तीसरा मेथड है स्टेप डिविएशन मेथड वो हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। अगर किसी ने वो दो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वो आप देख लीजिए, तभी जाके आपको ये स्टेप डिविएशन मेथड भी समझ अच्छे से आएगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन या क्वायरी होगी तो इस वीडियो के लास्ट में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करें, या अगर कोई भी बच्चा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो वो मुझे मैसेज करें। मैं इस वीडियो के एंड में अपना नंबर दे रहा हूँ, उस पर मैसेज करें। तो चलिए शुरू करते हैं जो हमारा तीसरा मेथड है स्टेप डिविएशन मेथड। जैसे हमने अभी तक दो मेथड्स पढ़े, वन वाज डायरेक्ट मेथड और दूसरा था कौन सा, एज्यूम्ड मीन मेथड। वन वाज डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड, दोनों से क्या निकालते थे हम, मीन। अब जो हमारा तीसरा है स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक, इस एज्यूम्ड मीन मेथड में हम पहले एज्यूम्ड मीन लेते थे फिर डिविएशन निकालते थे। जिसने नहीं देखा मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो पहले वो लेक्चर्स देखें। जो डिविएशन होती थी हमारी डी आई वो होती थी बराबर एक्स आई माइनस ए, ठीक, एक्स आई माइनस ए। फॉर एग्जांपल अब डिविएशन मेरी आई डी वन आया, फॉर एग्जांपल 20, डी टू आया 15, डी थ्री आया 10, डी फोर आया 5, सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो मेरी डिविएशंस है इनका एक कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर इनका क्या है, दैट इज़ 5, ठीक। मींस इन डिविएशंस में एक कॉमन फैक्टर है जिसको मैं डिनोट करता हूँ एच से, जिसको मैं डिनोट करता हूँ एच से। ये कब, ये स्टेप डिविएशन मेथड अभी मैं किसका बोल रहा हूँ, जब मुझे अनग्रुप्ड डेटा होगा। अनग्रुप्ड डेटा मतलब क्लास इंटरवल्स नहीं देखे होंगे, सीधे ही 1, 2, 3, 4 इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी उनमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो कॉमन फैक्टर होगा वहाँ पे तो वो आप ले सकते हो एच। एच हम देखेंगे आगे ये फॉर्मूला में यूज़ होता है, ठीक है। अब अगर ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए था, अब अगर मेरे पास ग्रुप्ड डेटा है मीन्स मेरे पास क्लास इंटरवल्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास क्लास इंटरवल है 10 to 20, 20 to 40, 30, 30 to 40, 40 to 50, ये मेरे क्या हैं क्लास इंटरवल। तब आप h का वैल्यू क्या लोगे, तब आप h का वैल्यू कैसे ले सकते हो, सीधे ही जैसे हम करते थे वो निकालते थे x, अपर लिमिट क्या है यहाँ पे 20 माइनस 10, एच निकालने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मींस 20 माइनस 10 दैट इज 10 आया मुझे क्या एच, एच आया 10। ये हर किसी केस में आएगा, इसमें भी 10 आएगा, इसमें भी 10, इसमें भी 10, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है कि क्लास इंटरवल्स में जो डिफरेंस होती है ये एच जो है वहाँ पे सेम नहीं होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10, 20 फिर यहाँ से है 21 तो कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल 30, ये क्लास इंटरवल अगर हम देखेंगे सेम नहीं है, तब उस टाइम क्या करते हैं हम लोअर लिमिट को माइनस करते हैं और अपर लिमिट को प्लस करते हैं 0.5 से। ये बनेगा फॉर एग्ज़ाम्पल 9.5, ये बनेगा 20.5, ये बना पहला क्लास इंटरवल। फिर 21 को माइनस 0.5 करेंगे तो ये बनेगा 20.5 और ये बनेगा 31.5, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक। अब ये जो क्लास इंटरवल्स मेरे आए बराबर आए, ये 31 नहीं होगा यहाँ पे, ये 30 होगा, ठीक। ऐसे हम बना सकते हैं, ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं इस टेंथ में, तो फिर भी अगर क्लास इंटरवल्स की डिफरेंस सेम नहीं होगी मींस क्लास लेंथ सेम नहीं होगी, तब आप ऐसे कर सकते हो माइनस पॉइंट, लोअर लिमिट को माइनस कर सकते हो 0.5 से और अपर लिमिट को प्लस कर सकते हो 0.5 से, ठीक। तो चलिए
हम देखेंगे कि अब जो ये स्टेप डिविएशन मेथड है इसकी फॉर्मूला क्या है। हमने पता है कि मीन हम एक्स बार से डिनोट करते हैं वो किसके बराबर है, जैसे एज्यूम्ड मीन में था, क्या एज्यूम्ड मीन में क्या था हमें ए प्लस और समेशन ऑफ एफ आई डी आई, वहाँ पे था एफ आई डी आई मगर यहाँ पे है एफ आई यू आई, डी आई के बदले यहाँ पे यू आई है ठीक, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ या लिखिए ऑफ समेशन ऑफ एफ आई या मैं समेशन ऑफ एफ आई के बदले एन लिख सकता हूँ क्योंकि समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम डिनोट करते हैं एन से। यहाँ पे आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन, ये रही एज्यूम्ड मीन की फार्मूला, क्यों यहाँ पे सिर्फ यू आई के बदले वहाँ पे था डी आई, मगर इसमें एक एक्स्ट्रा हमने देखा जो है एच ठीक, इसको आप मल्टीपल करोगे इसके साथ, ये रही स्टेप डिविएशन मेथड की फॉर्मूले ठीक है। ए प्लस एच मल्टीप्लाइड बाई समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई एन ठीक, या आप यहाँ पे इस एन को आप बाहर भी लिख सकते हो यहाँ पे एच बाई एन ठीक, ये आपकी मर्जी। चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, 50 वर्कर्स काम करते हैं एक फैक्ट्री में जिनके वेजेस दे के हैं, यह है डेली वेज मतलब इनका तनख्वाह दिन भर कितना है, 500 से 520 रुपये मिलते हैं 12 मजदूरों को, 520 से 540 मिलते हैं 14 मजदूरों को, ऐसे ही सो ऑन एंड सो फोर ठीक। ये अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 4, ये एक्सरसाइज जो है इसकी पहली एक्सरसाइज, उसका दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक से। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी दे के है और क्लास इंटरवल दे के है ठीक, यहाँ तक तो मुझे अगर निकालना होगा, पहले मुझे अगर क्लास मार्क निकालना, क्लास मार्क मीन्स एक्स या ऑब्जर्वेशन, तो कैसे निकालते थे हम, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई टू, वही मैंने यहाँ पे किया है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई टू ठीक, मीन्स 500 प्लस 520 प्लस 500 डिवाइड बाई टू, वो आएगा 1020 डिवाइड बाई टू, वो आएगा 510 ठीक, यहाँ पे आएगा 510, यहाँ पे आएगा 530, यहाँ पे आएगा 550, यहाँ पे आएगा 570, यहाँ पे आएगा 590, ये हमें क्या आया, क्लास मार्क मीन्स एक्सेस ठीक। क्लास साइज अगर हम देखेंगे, मैंने पहले ही बोला था एच अगर अनग्रुप्ड डेटा है, फॉर एग्जांपल ये है 3, 2, 5, 6, अब आप इसमें कैसे एच निकाल सकते हो, आप डिविएशन देखोगे और डिविएशन का जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा आपका एच। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल में मैंने आपको बोला था डिविएशन कैसे देखते हैं, अपर लिमिट वाई माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है यहाँ पे 520 अपर लिमिट और माइनस 500 मीन्स क्लास डेट, जो क्लास साइज मेरा आया वो आया 520 माइनस 500 दैट्स 20, इस क्लास में भी 20 आएगा, इसमें भी और इसमें भी, मीन्स एच मेरा आया 20 ठीक है यहाँ तक। फिर मैंने बोला था डिविएशन, और सॉरी इसमें मैं भूल गया था, यहाँ पे यू आई क्या है, यहाँ पे यू आई कुछ नहीं है, यू आई वही है जो आप वहाँ पे करते थे, ये होता है हमारे बराबर डिविएशन डिवाइडेड बाय एच, डिविएशन डिवाइडेड बाय एच, डिविएशन किसके बराबर होता था एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, या आप ये लिख सकते हो या आप ये लिख सकते हो ठीक, ये यू आई का वैल्यू। चलिए तो कर लेते हैं इसमें, ये क्लास इंटरवल हमें दे के हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, ये हमने निकाला क्लास मार्क हमने निकाला ठीक, क्लास साइज भी हमें पता है वो है 20, एच क्या है 20, वो भी हमने पता किया ठीक। अब डिविएशन, पहली डिविएशन अगर हमें यहाँ पे देखूँगा, डिविएशन क्या आएगी मुझे x1 माइनस 150, x1 है 510
मीन्स 510 माइनस 150 सॉरी ये 150 नहीं है यहाँ पे, ये है ना डिविएशन मेरी जो होती है बराबर, वो होती है बराबर एक्स आई माइनस ए। एज्यूम्ड मीन मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखाया है कैसे निकालते हैं, अगर क्लास इंटरवल होगा वो भी सिखाया है मैंने, अगर अनग्रुप्ड डेटा होगा वो भी मैंने सिखाया है। ए मेरा यहाँ पे अगर देखेंगे हम वो आएगा इस वाले इंटरवल में, दैट्स 550 आएगा, वो 550 है यहाँ पे, सॉरी ये मिसप्रिंट हुआ है, 550 ठीक। तो अगर मैं पहली डिविएशन देखूँगा मीन्स एक्स आई, एक्स आई मेरा क्या है 510 यानी एक्स वन माइनस ए क्या है 550, वो आएगा मुझे माइनस 40, मीन्स यहाँ पे मैं लिखूँगा माइनस 40 माइनस 40। अब जो दूसरी डिविएशन है डिविएशन डी टू, वो आएगी एक्स टू माइनस ए, एक्स टू मेरा क्या है 530 माइनस ए क्या है 550, वो कितना आएगा माइनस 20। तो माइनस 20 मैं लिखूँगा यहाँ पे। ऐसे ही करके आप और भी निकालोगे डिविएशंस, तो यहाँ पे मुझे आएगा 550 माइनस 550 ज़ीरो, 570 माइनस 550 वो आएगा 20 और ये आएगा 40 ठीक यहाँ तक। फिर यू आई जैसे मैंने आपको बोला था, यू आई होता है बराबर डी आई बाई एच, वो मैंने पहले ही बोला है आपको कि यू आई जो है वो होता है बराबर डी आई बाई एच, एच मुझे पता है यहाँ पे एच मैंने लिया था 20, डी आई मुझे यहाँ से आएगा मीन्स 40/20 आएगा पहला, मीन्स यू वन आएगा मुझे 40/20 दैट इज़ माइनस 40/20 दैट इज़ माइनस 2, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माइनस 2, फिर यहाँ पे माइनस ट्वेंटी बाई टू आएगा माइनस 1, तो यहाँ पे आएगा माइनस 1, यहाँ पे 0, 20/21, 40/22 ठीक। फिर एफ आई और यू आई, क्योंकि जो मेरी मीन डिविएशन ये जो मेरी स्टेप डिविएशन की फॉर्मूला है वो मैंने आपको बोला था एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस एच इनटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाय एन। एफ आई यू आई मुझे निकालना है मीन्स मुझे किस किस को मल्टीप्लाई करना है, एक फ्रीक्वेंसी को और जो यहाँ पे निकला मुझे 12 2s are -24, 14 into 1 -14, 0 into 8 0, 6 into 1 6, 2 into 10 20 ठीक। मगर मुझे इसका क्या चाहिए समेशन, जब मैं इनका सम करूँगा तो वो मुझे आएगा -12, वो आएगा मुझे -12 ठीक। और मुझे n चाहिए मीन्स समेशन ऑफ f मुझे यहाँ पे करके है मीन्स समेशन ऑफ f इज़ 50। तो चलिए हम करते हैं अब इसको फार्मूला में, हमारी फार्मूला स्टेप डिविएशन क्या है, x बार इक्वल्स टू a प्लस h बाय n मल्टीप्लाइड बाय f समेशन ऑफ f i x i, वायर i वेरीज फ्राम 1 to n ठीक। x बार इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन मैंने लिया था कितना, एज्यूम्ड मीन मैंने लिया था 550, तो मैं लिखूँगा 550 प्लस h मैंने लिया था 20 मीन्स 20, n कितना आया था मुझे यहाँ पे 50, यहाँ पे 50 मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई दैट्स माइनस 12 माइनस
12।